ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो कैसे आ रहे हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रेजिडेंट एविल 3। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में जिल जो है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंडरग्राउंड बेसमेंट में आ गई थी, क्योंकि जो डॉक्टर बर्ड है जिसको निकोलाय ने मार दिया था ताकि वो वैक्सीन बनाकर इस वायरस से लोगों को ना बचा पाए, उसने एक मैसेज छोड़ा था कि इस वैक्सीन को बनाने की जो रेसिपी है इस अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के अंडरग्राउंड बेसमेंट में रखी है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर आने के बाद हमने रेसिपी ढूंढी और उसके बाद काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारा, अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स को मारा, तब जाकर हमने एक वैक्सीन बनाई थी और उस वैक्सीन को बनाकर जैसे हम लोग यहां से बाहर निकले तो अभी वो सीन आपको पता चल जाएगा कि उसके बाद हुआ क्या। मतलब कि अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरी पॉकेट में वैक्सीन लगी हुई है, यहां तक तो फिलहाल आपने देख ही लेता लास्ट एपिसोड में। तो उसके बाद यहां पर सीन क्या हुआ था ना कि मतलब एकदम एंड टाइम पर वो आ गया था सीधा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। अभी जैसे जिल नीचे उतरी नेमेसिस आ गया। अब इस नेमेसिस को भेजा किसने? निकोलाय ने। भाई निकोलाय यहीं कहीं पर ना आसपास घूम रहा है और सारी की सारी मुसीबतें जो अभी तक खड़ी करता था ना हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक निकोलाय था। तो यहां पर देख पा रहे हो नेमेसिस यहां पर आ चुका है और नेमेसिस को जितनी बार भी जिंदा करता है ना वो सिर्फ और सिर्फ निकोलाय है। तो यहां पर सीन हुआ गया था कि जो जिल की वैक्सीन थी वो ऊपर ही गिर गई थी और उसी टाइम पर यहां पर आ गया था निकोलाय जिसने इसको वैक्सीन वापस नहीं करी थी। तो ये जो आपको सीन दिख रहा है ना ये आपने लास्ट एपिसोड में देख लिया होगा, लेकिन इसके बाद हमारी फाइट अब होने वाली है नेमेसिस से जो कि नीचे मौत के कुएं में हमारा इंतजार कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता इसके अंदर पहले से पावर ज्यादा बढ़ चुकी है फिर नहीं बढ़ी, लेकिन जो फाइट है बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो कि गाइस ये देखो यहां पर ना निकोलाय एक डील करता है कि जाओ पहले नीचे गिरो और वहां पर ना नेमेसिस से फाइट करो, फिर मैं तुम्हारी वैक्सीन तुम्हें वापस कर दूंगा। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी फिलहाल मेरे सामने एकदम मैदान में है नेमेसिस और अगर मैंने नेमेसिस को मार दिया तो निकोलाय मेरी वैक्सीन जो है वापस कर देगा और वैक्सीन वापस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यार ये तो इतना ज्यादा फास्ट है भाई, मैंने सोचा नहीं था। भाई अभी तक ये पता है भागता फास्ट था लेकिन अटैक फास्ट नहीं करता था, लेकिन अब ये बहुत फास्ट अटैक कर रहा है भाई, जल्दी से आ जाता है मारने। और यहाँ पर मेरे पास ग्रेनेड लॉन्चर में इतना सारा एमओ है ना भाई, मतलब काफ़ी सारे राउंड्स हैं, वैसे ज़्यादा नहीं यार सिर्फ और सिर्फ 13 राउंड्स लेफ्ट हैं, लेकिन मुझे इसे मारना पड़ेगा इतने ही कम राउंड में। ओ भाई ये देखो कितनी तेज भागता हुआ आ रहा है। एक काम करता हूँ असॉल्ट राइफल में ना मेरा काफ़ी सारा एमओ लौटा। पीछे हट पीछे हट भाई, कुछ नहीं हो रहा इसको, इस चीज़ से कुछ ही नहीं हो रहा भाई इसको। तो यार ये देखो कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, असर पड़ ही नहीं रहा है, मैं इसे कैसे मारूंगा मुझे देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ जो मेरे पास एक्सप्लोसिव, ओके यहाँ पर कैरलॉस आ गया। चलो भाई अभी बहुत बढ़िया सीन है। तो भाई देखो अभी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कैरलॉस आ चुका है और यहाँ पर ये देखो भाई ये नेमेसिस को क्या हो रहा है। तो भाई देखो कैरलॉस ना ऊपर से खड़े होकर बस चिल्लाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन कुछ हेल्प नहीं कर रहा। और यहाँ पर ना नीचे से सब कुछ ठीक था लेकिन अभी ज़ॉम्बीज़ ने आकर काम खराब कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं इन ज़ॉम्बीज़ को मारने में बिजी रहा ना तो मुझे यहाँ पर नेमेसिस मार जाएगा। तो मुझे यहाँ पर नेमेसिस का भी ध्यान रखना है, ज़ॉम्बीज़ का भी ध्यान रखना है। आखिर लेकिन नेमेसिस गया कहाँ? तू निकल बेटा पीछे, और तू भी निकल, तू भी निकल, अबे जल्दी निकल भाई साहब, गोली क्यों नहीं चलाई? अबे शिट यार ये अलग ही हेल्थ पी गई जरा तेरी ऐसी की तसी। भाई साहब बच गया। अरे भाई मेरे को नेमेसिस का ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़ॉम्बीज भाड़ में जाए। ओके ओके भागता हुआ मत, हाथ हाथ निकालेगा, हाथ निकालता है अंदर चल। भाई साहब अपना हाथ ऊपर उठाकर मेरे मारने जा रहा है बेटा, इतना गंदा मारूंगा ना देखता ही रह जाएगा, वैसे देख ही जा रहा। ओ भाई साहब बच गया मैं, काफ़ी तगड़े डाई मारी है यहाँ पर जिल ने। भाई देख रहे हो इसकी हरकतें, हरकतें देखो, जमीन क्यों तोड़ रहा है भाई। एक सेकंड रुक जा, यहाँ पर अगर मैं मारूँ तो ये जलेगा भाई साहब ने, जल तो गया लेकिन इसे कोई असर नहीं हो उस चीज़ का। बाकी ना यहाँ पर एक कर क्या रहा है भाई, पागल है क्या ये? ओह भाई पागल नहीं है, बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है। ओके मेरे पास ना एक बहुत मस्त आइडिया है, अगर यहाँ पर मैं इसके गोली मारूँ तो देखो इसके करंट लग रहा है, और अब इसके करंट लग रहा है तो उसके दबा के मैं गोलियाँ बजा देता हूँ भाई। अभी पूरी लड़ी लगा दी और यहाँ पर उसने क्या करा ऊपर से, अबे ये क्या करा? ओके कैरलॉस ने करा ये। ओ भाई साहब लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है भाई। ओबे शिट ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए भाई? अच्छा ऊपर ना कैरलॉस क्या कर रहा है, कुछ ना क्रेन टाइप कुछ है उसको कंट्रोल कर रहा है और इससे ना उसके बहुत तेज लगने वाली है। तो भाई देखो अभी ना सीधा सा सीन है कि जो कैरलॉस है ना अपनी बहुत ही मस्त तरीके से हेल्प कर रहा है, अगर नेमेसिस ने एक बार भी किसी भी टैंक पर बैठने की गलती कर दी तो ऊपर से ना इसके क्रेन मारेगा और मेरी हेल्थ जो है ना काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही है क्योंकि ये लगातार कंटिन्यूसली मेरे हाथ ही हाथ मारे जा रहा है। भाई एक मिनट जल्दी से हील करना पड़ेगा भाई, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लग रहा था मैं इसे मार दूंगा क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी एमओ और यहाँ पर ये ऊपर चढ़ गया है। अब बस ना ये जल्दी से किसी भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के टैंक पर बैठ जाए और जैसे ये टैंक पर बैठा ना भाई इसका बुरा हाल होने वाला है। और यहाँ पर ये देखो भाग कर कैसे आ रहा है भाई, ये पागल है, निकल यहाँ से। तो भाई देखो सीधी सी बात है, नेमेसिस मत कर, हमसे टकराएगा तो बहुत ही बुरा वाला मारूंगा मैं पहले ही बता रहा हूँ। वैसे मुझे ना अभी इससे इतना डर नहीं लग रहा क्योंकि इसने इसने अभी तक एक बार भी तगड़ा अटैक नहीं करा था लेकिन अब करने लग गया भाई, अभी तक इतनी बुरी तरह अटैक नहीं कर रहा था। अब देखो भाई पागल हो गया, तू मजाक कर रहा था भाई, अबे नहीं तो बहुत खतरनाक है, अबे मैं मजाक कर रहा था भाई, पागल हो गए तो
कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं, तेरी ऐसी कहते निकल यहाँ से भाई, मैं भी चल जाऊँगा इस तरीके से। तो यार ये देखो मेरे भी हाथ में आग लग गई और यहाँ पर हेल्थ जाएगी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी हील करने की जरूरत नहीं है, हेल्थ इतनी ज़्यादा भी नहीं गई है। बाकी यहाँ पर इसने फिर से गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। अपना बस जल्दी से किसी टैंक पर जाकर बैठ जाए, और अगर ये किसी भी टैंक पर बैठेगा तो मैं शॉर्ट सर्किट करके ना इसके करंट लगाऊंगा और ऊपर से जो है कैरलोस इसके अटैक कर देगा। ये देखो अभी फटाफट से यहाँ पर मैं इसके करंट लगाता हूँ, करंट लग गया और मार इसको भाई, मार क्या कर रहा है भाई, वो तो मार ही नहीं रहा। और ये देखो यहाँ पर शायद से वो ला रहा है, मार 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 मार, बचना नहीं चाहिए कुछ भी करके, बचना नहीं चाहिए भाई। गोलियां भी तो मैंने इसके दबा कर बजा दिया है, अभी देखते हैं क्या सीन है। और यहाँ पर ये क्रेन कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से आप लोग देख पा रहे हो कितना भारी वो लोहे का हैंड है, और यहाँ पर ये उठ रहा है भाई। ओके तो यहाँ पर जिल को भी देखना पड़ेगा इसको भाई, ये कितना खतरनाक है भाई साहब। ओके क्या, और भाई बहुत गलत सीन, दांत टूट गए उसके सारे के सारे, गया लग रहा मर गया भाई, इस बार ही मर गया है। नहीं यार ऐसे नहीं मर सकता भाई, नेमेसिस भाई मर ही नहीं सकता भाई, वो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर फिलहाल लेकिन ये तो हमने उसे थोड़े टाइम के लिए बेहोश कर दिया है, लेकिन यार जितनी बार भी मैंने उसे मारा ना वो थोड़ी देर बाद ही जिंदा हो जाता है। पता नहीं उसके शरीर में ऐसा क्या है, मतलब इतनी ज़्यादा क्या पावर है। बाकी ना यहाँ पर इन्होंने टैंक से कुछ एसिड सा गिरा दिया भाई। ओके तो शायद से ना इस एसिड से ये जल रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत खतरनाक हो रहा है। और अगर मान लो जिल का भी पैर फिसल जाए और वो इसी टैंक में आकर गिर जाए इसी पानी में, तो भाई वो तो जल के ही मर जाएगी। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा रहा है भाई कैरलोस, लेकिन यहाँ पर इसका ख़त्म हो गया क्या ये अभी तो, क्योंकि पूरा एसिड है और एसिड क्या करेगा ना पूरा जला देगा। तो अभी कैरलोस कह रहा है मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूँ, तुम इधर से आ जाओ फटाफट। तो गाइस यार जिल जो है ना अभी अपने दिमाग में एक ही चीज़ बोले जा रही है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी निकोलाय को मारना है, क्योंकि अगर हमने निकोलाय को मार देना तो ये सारा का सारा खेल जो है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जितनी बार भी नेमेसिस जिंदा होता है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ निकोलाय का ही हाथ होता है। और गाइस यहां पर थोड़ा सा एक फर्स्ट एड स्प्रे पड़ा हुआ है और इधर एक नोट पड़ा हुआ है, इसको पढ़कर देखते हैं। वेपन स्पेक शीट पढ़ते हैं इसे, यहां पर लिखा हुआ फेरोमैग्नेटिक इन्फेंट्री यूज नेक्स्ट जनरेशन रेलगन डेवलपमेंट कोड नेम फिंगर। और भाई यहां पर ना किसी बहुत ही तगड़े नेक्स्ट जनरेशन रेलगन की बात हो रही है। और यहां पर सप्रेशन ऑफ न्यू बायो वेपन इन केस ऑफ आउटब्रेक, और यहां पर इट रिक्वायर्स मल्टीपल पावर सोर्सेज। तो भाई कोई गन है बहुत ज्यादा तगड़ी जिसको मतलब मल्टीपल पावर सोर्सेज रिक्वायर है, मतलब सोचो कि इतनी सारी पावर देनी पड़ रही है तब जाकर वो गन चलेगी, और वो नेक्स्ट जनरेशन गन है। अभी पता नहीं उस गन के अंदर ऐसा क्या खास है, वो तो अभी आगे चलकर ही पता चलेगा। अभी लेकिन हमें मेन ढूंढना है निकोलाय को। तो सबसे पहले ना यहां पर थोड़ी सी मैं एमो ले लेता हूं, अभी सब कुछ क्योंकि यूज हो गया था, और थोड़े बहुत एसिड राउंड ले लेता हूं, इसको भी यूज करेंगे। और यहां पर थोड़ी सी एक और फर्स्ट एड स्प्रे ले लेता हूं। बाकी यहां पर अभी पूरा का पूरा बैग जो है भर चुका है, और पिस्टल की भी एमो मेरे पास ना ज्यादा नहीं है। तो यहां पर ना मेरे को सामने की तरफ में पावर सोर्सेस तो दिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं क्या सीन है। लेकिन यार मुझे मेन ढूंढना है निकोलाय को, निकोलाय आखिरकार है का, क्योंकि अगर हमने उसको एक बार मार देना तो सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। और क्या, ओ भाई साहब ये देखो भाई सामने की तरफ में निकोलाय आ गया, और यहां पर जिल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कह रहा है कि मुझे मेरी वैक्सीन वापस कर दो बस। लेकिन यहां पर कह रहा है यू प्रिंट ओके, तो यहां पर ये पैसों की बात क्यों कर रहा है भाई। अभी इसने डील करी थी कि अगर तुम नेमेसिस को मार दोगे तो मैं वापस कर दूंगा, लेकिन ये क्या भाई, ये क्या था, एक सेकंड, ये दीवार में से क्या निकला। और ये चीज तो यार निकोलाय को भी नहीं पता थी, ये चीज तो निकोलाय को भी नहीं पता थी। ओ भाई साहब ये नेमेसिस को क्या हो गया भाई, ये क्या चीज है। और निकोलाय की किस्मत देखो भाई, वो ऊपर की साइड निकल गया अच्छा खासा। और यहाँ पर इस बार तो निकोलाय को भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या चीज आ गई भाई, क्योंकि इस बार इसने नहीं बनाई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर ये खुद ही मतलब इसके अंदर निकोलाय ने ना कुछ ऐसी पावर डाल रखी है कि जितनी बार भी मरेगा ना तो जब भी अपग्रेड होगा तो नेक्स्ट लेवल पे बहुत ज्यादा अपना मतलब डबल पावर में अपग्रेड होगा। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो भाई इस बार तो बहुत खतरनाक लग रहा है। और यहाँ पर हंसी खुशी भाग गया भाई और हमारी वैक्सीन भी ले गया। और ये मॉन्स्टर है क्या, ओ भाई कैरलोस भी आ गया। ओके तो चलो गाइस अभी ना अच्छी बात ये है कि कैरलोस भी यहाँ पर आ गया, लेकिन जिल ने ना कैरलोस को वैक्सीन लेने के लिए भेज दिया, क्योंकि ना अभी वैक्सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब फाइट जो चल रही है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन के पीछे ही है। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग अभी यहाँ पर मेरे सामने देख पा रहे हो कि नेमेसिस का जो रूप है ना इस टाइम पर वो बहुत ही गलत हो चुका है, और उसके हाथ इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं ना कि इस एरिया में हम कहीं पर भी खड़े हो जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ना यहाँ पर काफी सारी एमो वगैरह है, एक काम करता हूँ बस जितने भी, ओ भाई बच गया मैं तो, यार ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके ना मैं रख के गोली बजाने वाला हूँ अभी, लेकिन यार इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक काम करता हूँ ना, ग्रेनेड लॉन्चर के अंदर मेरे पास काफी सारे फ्लेम राउंड्स है, तो इसको मैं जलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भाई ये जल तो रहा है लेकिन इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई,
कुछ भी नहीं हो रहा इसे, और लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ इसे मार रहा हूँ ना तो शायद से वहाँ पर आग लग रही है, वहाँ पर कुछ रेड रेड सा हो रखा है, लेकिन यार उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं इसको मारूँ कैसे भाई। अभी तक तो आसान था लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर ना एक काम करता हूँ गाइस, आगे की तरफ में ना यहाँ पर एक ओ भाई ये देखो, जिस रेल गन वेपन की हमने बात करी थी ना, ये वही वाला वेपन है। अभी फटाफट से ना ये वेपन मेरे को उठाना है, और यहाँ पर देखो भाई कितना खतरनाक है। अभी हम लोग इसके बजा देंगे तो मेरे को लग रहा है ये एक में ही खत्म हो जाए, क्योंकि एकदम नेक्स्ट जनरेशन वेपन है। और यहाँ पर बजा दिया और मेरे हिसाब से नेमेसिस का खेल खत्म है भाई, ले बेटा। और यहाँ पर ये इतने सारे, ये देखो जिस चीज़ की उन्होंने बात करी थी कि मल्टीपल पावर सोर्सेस लगेंगे, और यहाँ पर ना थोड़ा सा कूल डाउन होगा तो दोबारा चलेगा। अभी एक शॉट मैंने इसके मार दिया है, और यहाँ पर ये कूल डाउन क्यों नहीं हो रहा ये वाला। अबे भाई साहब ये देखो, यहाँ पर सारे के सारे पावर सोर्सेस कूल डाउन हो गए, लेकिन दो तीन पावर सोर्सेज है जो कि अटक गए और कूल डाउन नहीं हो पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। यार ये बहुत गलत सीन हो गया, यहाँ पर मैं इसको कैसे मारूंगा। अगर मैं देखो इसको ऑन करने जाऊँगा तो ये मुझे मार देगा, और यहाँ पर ये रेड रेड सा क्या है, एक मिनट रुक जाओ। ओ भाई ये भाई तो एसिड निकल रहा है इसमें से, शायद से हमें उस चीज़ पर नहीं मारना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं उस चीज़ को जलाने की कोशिश करूँ या फिर उस पर एसिड डालूँ तो कुछ होगा क्या? यहाँ पर फिलहाल कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा भाई उस चीज़ से। ओ भाई ये क्या इतना खतरनाक अटैक कर रहा है भाई, ये तो मुझे हील करना पड़ेगा भाई। अगर इसने एक बार भी हमारे ऊपर अटैक कर दिया ना तो समझ लो हमारी पूरी की पूरी हेल्थ चले जाएगी, तो इसलिए हमें इसके हर अटैक से बचना है। और यहाँ पर ना इसके पास कुछ तो है वहाँ पर, इसका मतलब ऐसी कोई तो चीज़ है जिससे ना इसकी हेल्थ जा रही है। यहाँ पर अगर मैं उस चीज़ को फोड़ दूंगा तो यहाँ पर कुछ तो होगा, ले बेटा तेरी ऐसी की तैसी। ये देखो यहाँ पर फिलहाल ना मैंने दोनों की दोनों जो है फोड़ दिया है, और यहाँ पर ये गिर गया। ओके भाई ये तो गिर गया क्या, ये गिर गया तो बहुत सही है। यहाँ पर मैं फटाफट से ना जो चैम्बर है, मतलब चैम्बर नहीं जो पावर सप्लाई है जितनी भी है, इसको मैं कूल डाउन होने के लिए ना अंदर कर देता हूँ। अभी फटाफट से जो पावर सोर्सेज है ना इसको मैंने अंदर कर दिया, और ये वाला तो कूल डाउन हो गया। अभी जल्दी से मैं पीछे भाग लेता हूँ, बाकी ये मरा नहीं है, ये बेहोश हो गया है। अभी एक काम करता हूँ ना यार, मुझे डर पता है किस बात का लग रहा है। देखो ये वाला तो पास में है लेकिन वो वाला ना बहुत पीछे है, सबसे पहले मैं उसको करके आता हूँ। ये दोबारा उठ गया भाई, प्लीज़ 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 अभी दोबारा मत उठ भाई, यार शिट मुझे लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर ना फटाफट से एक और ट्राई करता हूँ, जल्दी से अंदर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर ये आ गया भाई, प्लीज़ 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 मारियो मत, मारियो मत। ओ भाई भागो 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 भाई, ये दोबारा उठ गया, दोबारा उठ गया, बहुत खतरनाक है यार। अभी ये बहुत खतरनाक हो चुका है, ये देखो इसका हाथ पता नहीं कहाँ से। अभी फटाफट से ना मुझे दोबारा हील करनी पड़ेगी, लेकिन यार हम इसे मारूँ कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस ये देखो वो जो चीज़ है ना वो दोबारा से आ गई है, और इसका ये पता नहीं कुछ भी है, इसको ना इससे शरीर में हेल्थ रहती है, और यहाँ पर अगर हम लोग ये चीज़ फोड़ देंगे ना तो ये बेहोश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये देखो यहाँ पर ना इसको मैंने फोड़ दिया है, अभी एक लास्ट वाला रह गया है, मतलब कि ना अगर मैंने इसको भी फोड़ दिया तो ये दोबारा से बेहोश हो जाएगा। तो ये देखो मैंने इसे फोड़ दिया और ये दोबारा से बेहोश, भाई ये बहुत तगड़ा सीन है। और जब ये बेहोश होकर गिर होता है ना, और अगर हम लोग बाय चांस इसके नीचे आ गए तो भाई समझ लो मौत का खतरा है फिर तो। अभी फटाफट से ये वाला जो पावर सोर्स है इसको भी मैं जल्दी से अंदर कर देता हूँ कूल डाउन होने के लिए। और यहाँ पर ना अभी इसके शरीर से काफी ज्यादा खून भी निकल रहा है, आगे की तरफ में ना एक और है, अगर मैंने इसे भी जल्दी से कर दिया तो भाई इसका खात्मा अभी कर दूंगा मैं, अभी के अभी कर दूंगा। और भाई मेरे हिसाब से सारे के सारे कूल डाउन हो चुके हैं, और अभी मेरी सारी के सारी एमो भी खत्म हो गया है। फटाफट से ना सबसे पहले एमो उठाता हूँ, और ये दोबारा से जिंदा हो गया, और अभी जल्दी से रेल गन मैंने उठा लिया है। और अगर मैंने अभी इसके बजा दी ना तो मेरे हिसाब से यार अब तो मर जाना चाहिए, अगर अभी भी नहीं मरा ना तो भाई फिर तो एकदम नाश है भाई। एक काम करता हूँ ना यहाँ पर सबसे पहले बचा देता हूँ भाई इसके सीधा हेड पे, और यहाँ पर ये गोली बजे पड़ी तो है, इसके पड़ी तो है, लेकिन इसको ज्यादा कुछ हुआ गया गया इस बार गया है। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई कितना खून है इसके शरीर में, और यहाँ पर ना जल्दी से हमें आगे जाना है क्या? ओके एक बार आगे चलते हैं, और यहाँ पर उसका मुंह देखो भाई। ओ भाई साहब रेल गन इसके मुंह के अंदर ही डाल के चला लिया भाई, ले गया भाई। अब ये फटने, अब फट जाएगा वो। ओ भाई फट गया सच्ची में। ओ भाई ये क्या, ओ भाई साहब ये तो बहुत गलत सीन था, पूरे में खून की नदी बह गई भाई कितना ज़्यादा खून था इसके अंदर भाई, क्या था ये। देखो जिस एरिया में हमने रेल गन चलाई थी ना उस एरिया के सामने वाली दीवार में भी छेद हो गया। तो गाइस यार अभी ना यहाँ पर काफ़ी सारी एमो है, काफ़ी सारी हेल्थ है, फटाफट मैं ना इसको उठा लेता हूँ। और यहाँ पर ये जो रेल गन है ना हम लोग इसको आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसके अंदर ना एक वायर है और ये सिर्फ और सिर्फ इतने ही एरिया में चल सकता है। बाकी यार अभी मुझे आगे की तरफ में जाना का है, मुझे वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अभी ना सामने की तरफ में यहाँ पर देखो जितने एरिया में रेल गन चलाई थी ना उस दीवार पर पूरा का पूरा छेद हो रखा है, तो यहाँ पर शायद से हमें
हमें आगे ही जाना पड़ेगा, लेकिन यार हम लोग आगे तो जा नहीं सकते, यहाँ पर राइट में कोई रास्ता है क्या? ओके, तो गाइस राइट में एक रास्ता जा रहा है और ऊपर की तरफ में सीढ़ियाँ जा रही है, फटाफट ऊपर चलते हैं। अब निकोलाय पिटने वाला भाई मेरे यहाँ से, निकोलाय को लग रहा होगा कि मैं इसे नहीं मार पाऊंगा क्योंकि यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, बट निकोलाय अब तेरी मौत आने वाली है। फटाफट से मैं सोल ट्राइफल निकाल लेता हूँ, जैसे ही मेरे को दिखेगा ना लड़ी लगा दूंगा भाई इस बार तो। और अभी तक ना मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला था निकोलाय को मारने का, और जब जब मौका मिला था तब तब मतलब शक नहीं हुआ था उसके ऊपर, लेकिन अब जब पूरा पूरा उसके ऊपर शक हो चुका है कन्फर्म कि हाँ भाई सारा का सारा हरकत इसी ने करी है, तो यहाँ पर भाई निकोलाय गायब है। अभी यहाँ पर जिल बस एक ही चीज़ बोले जा रही है कि उसे वैक्सीन चाहिए, तो चाहिए। अभी फटाफट यहाँ पर ऊपर चलते क्योंकि यार अगर हमें वैक्सीन मिलेगी तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और आपको याद होगा कि मतलब कि जो बाकी कंट्री वाले हैं ना वो लोग रकून सिटी के ऊपर अटैक भी कराने वाले हैं मिसाइल से, ताकि जो सिटी है ना पूरी पूरी खत्म हो जाए। तो गाइस यार वैसे ये जो लिफ्ट है ना मैं शायद से ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले आई है, मतलब कि एकदम इतनी स्पीड में आई है बहुत ऊपर। अब पता नहीं हम लोग ना शायद से ओके तो हम लोग छत पर आ गए भाई, अभी तक हम लोग इतना ज़्यादा अंडरग्राउंड में थे। और सामने की तरफ में क्या सीन है, एक मिनट रुक जो भाई, कुछ तो खतरनाक मेरे को लग रहा है। ओके गाइस यहाँ पर कैरलोस बेहोश पड़ा और कैरलोस गया था निकोलाय के पीछे क्योंकि जिल ने उसे भेजा था वैक्सीन लेने के लिए, और ये निकोलाय कहाँ से आ गया? ओ भाई गन भी गिरा दी। ओ भाई ये क्या खतरनाक बंदा है भाई, अब इसको कैसे मारेंगे? और वैक्सीन इसके हाथ में ही है और वैक्सीन फेंक दी। ओ भाई इतने मुश्किल से हमने वो वैक्सीन बनाई थी और उसने फेंक के फोड़ दी। भाई यार अभी ना गन भी उसके पास है, अभी हम लोग ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। और यहाँ पर इसने निकोलाय को मतलब कि कैरलोस को मारा या बेहोश करा है वो मुझे नहीं पता। और यहाँ पर ना मिसाइल्स भी आ गई है भाई, मतलब कि जो दूसरी कंट्री वाले मिसाइल गिराने वाले थे ना वो भी अपनी मिसाइल लेकर आ गए और यहाँ पर अटैक करने वाले, रकून सिटी खत्म होने वाली है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी ओ भाई कैरलोस ने यहाँ पर इसे गिरा दिया और अब पिटने वाला है बेटा निकोलाय। और यहाँ पर अभी कैरलोस और निकोलाय की बहुत तगड़ी होगी, और यहाँ पर अबे तेरी ऐसी की रहती कैरलोस के तो भर दिए भाई, मुझे लग रहा था भाई साहब पावरफुल होगा। और ये देखो भाई साहब निकोलाय ने तो भाई भर दिया। ओ भाई ये देखो ये कमबैक करा है यहाँ पर। ओ भाई अभी हमें क्या करना है, एक मिनट रुक जाओ। ओके तो हमें इसको मारना है, लेकिन अगर मैंने गलत एम कर दिया तो भाई वो जो गोली है इसके लग जाएगी भाई। और यहाँ पर जिल मना कर रही है, लेकिन इतना कच्चा एम नहीं है भाई, मैं ऐसे मैं तो ना मना कर रहा, जिल ही मना कर रही है। एक मिनट रुक जाओ अभी फटाफट से इसके बजाऊंगा, तेरी है निकल यहाँ से, एक ही शॉट मारूंगा भाई, इतना घटिया एम थोड़ी है। तो भाई अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे को लग रहा है ना कि जो कैरलोस है उसकी गोली पड़ी है कि नहीं पड़ी, दो तीन घूसे में इतनी हालत टाइट हो गई क्या बस भाई साहब? ये तो बड़ा ही कमजोर बंदा था, बाकी जो भी हो। तो भाई यहाँ पर देखो अभी भी ना निकोलाय में काफी ज्यादा चोट है, और ये कह रहा है कि पहले सच पता कर लो है क्या, लेकिन हमें सच पता ही नहीं करना भाई। नेमेसिस को इतनी ज्यादा पावर दे देके कितनी बारी से हमने मतलब कि इसने हमें मरवाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अभी फटाफट हम लोग बस इस सिटी से निकलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर जो मिसाइल्स है वो गिरने वाली है, और ये जो रकून सिटी है वो पूरी की पूरी तबाह होने वाली है, और उसी में ये निकोलाय भी मारा जाएगा। तो अभी भाड़ में जाए भाई, वो बार बार ही बुला रहा है सच बताने के लिए, लेकिन अभी भाई देखो खात्मा हो गया यहां पर। अगर मिसाइल गिरेगी ना तो नेमेसिस तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अभी टाइम आ चुका है भाई जल्दी से यहाँ से जाने का। और निकोलाय देखो भाई मरते टाइम भी असर है, वैसे बहुत खतरनाक तो था भाई निकोलाय, मतलब इतना आसान नहीं था। और बाकी अभी देखो भाई इसकी जो गोली पड़ी है ना आराम से बैठा पड़ा भाई, मतलब कि गोली पड़ी है इसके यहाँ पर फिर भी इसे कोई दर्द ही नहीं हो रहा, आराम से बैठ के हंस रहा है। खैर छोड़ो जो भी है, अभी फटाफट हेलीकॉप्टर जो है अपना काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, और हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ा रहा है कैरलोस। बाकी जो भी हो बहुत खतरनाक सीन है यहाँ पर। जेल ठीक तो है ना भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ये इन्फेक्टेड हो गई है। बाकी जो ओ भाई ये मिसाइल्स कहाँ से आई, एक मिनट रुक जाओ। ओके तो भाई ये देखो मिसाइल्स जो है ना सारी की सारी आ चुकी है रकून सिटी पे, और यही वो पूरी की पूरी सिटी है जिस सिटी के अंदर हम लोग इतने दिनों से बस घूमे ही जा रहे हैं, ज़ोंबीज मारे ही जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी कंट्री वालों ने मिसाइल गिरा दी ताकि जितने भी ज़ोंबीज हैं सारे के सारे मारे जाए, और कितना खतरनाक अटैक हुआ। और हेलीकॉप्टर भी डिसबैलेंस हो गया भाई, ये क्या अबे भाई, ये तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा ऐसे तो, और यहाँ पर ये दोनों ही लोग मारे जाएंगे मुझे लग रहा है भाई। जो भी हो भी बहुत खतरनाक सीन है भाई, खतरनाक लग रहा है भाई, मतलब कि एकदम डरावना सा। खैर छोड़ो जो भी है, हेलीकॉप्टर वापस से कंट्रोल हो गया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हवा में था और जो उन्होंने मिसाइल्स गिराई है ना उससे काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर आया था जिस वजह से हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो गया था। बाकी अभी ठीक है भाई, अभी हेलीकॉप्टर कंट्रोल में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन यार दुख की बात यह है कि जो रकून सिटी है वो पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि वैक्सीन वगैरह सब कुछ खत्म हो गई भाई, मतलब जो मेन थी वैक्सीन। अगर वैक्सीन हमें मिल जाती ना तो हम लोग वहाँ पर सब बंदों को बचा लेते। ओ भाई साहब यहाँ पर ओके तो ये देखो टूटी हुई वैक्सीन ये लेकर आ गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। अगर ये वैक्सीन ठीक मिल जाते ना तो काफ़ी सारे लोग जो ज़ोंबीज़ बन गए थे वो ठीक हो सकते थे, लेकिन अभी मेरे को लग रहा था कि जिल ने एकदम ठीक वैक्सीन संभाल के रखी हुई है, लेकिन वो साइड से पूरी की पूरी टूटी पड़ी थी। खैर छोड़ो जो भी है, गेम यहाँ पर गाइस एंड हो चुका है जैसे तैसे कर, मतलब कि सिटी से हम लोग सारे लोग को बचाना चाहते थे लेकिन कोई भी नहीं बच पाया, सिर्फ और सिर्फ कैरलोस और जिल यहाँ से ही बचकर निकल रहे हैं। तो चलो गाइस यार अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगी हो तो फटाफट इस वाली वीडियो को जगह
लाइक कर देना। एंड की रेजिडेंट एविल 3 का लास्ट एपिसोड था, तो इस वीडियो पर एम करते हैं ओनली 5 लाख लाइक के लिए। तो फटाफट जाओ लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे कमेंट में बताना कि मुझे नई गेम प्ले सीरीज कौन सी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सभी लोग जाओ जल्दी से आकर कमेंट कर दो। और हाँ यार, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो एंड फॉलो कर लो। तो यार आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में। गुड बाय।